नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नागरिकता संशोधन कानून के तहत 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी साझा की। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि CAA के तहत 14 लोगों को भारत की नागरिकता के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली सीट में मोर्चा संभालने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बघेल लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व CM का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने रायबरेली के बथुआ में बड़ा दावा करते हुए कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं, बल्कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बाद अब रायबरेली के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। क्या उत्तराखंड के जंगलों में आग पर काबू पाने में सरकार की तैयारी बिल्कुल नहीं है? उत्तराखंड के जंगलों में आग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फंडिंग की कमी और गार्डों को चुनाव ड्यूटी में लगाने पर सवाल उठाए। इसने उत्तराखंड के साथ ही केंद्र सरकार से भी तीखे सवाल किए। राज्य के जंगलों में पिछले साल नवंबर से आग लगने की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं और इन पर काबू पाने में राज्य जूझ रहा है। आग से लगभग 1145 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट मई की शुरुआत से उत्तराखंड में जंगल की आग को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य में आग की कम से कम 910 घटनाएं हुई हैं। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आग की घटनाओं के बीच वन अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी पर क्यों लगाया गया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हो चुका है। इसके साथ ही अदालत ने फंड की कमी को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार की खिंचाई की। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने फंड की कमी को खेदजनक स्थिति बताते हुए इसकी निंदा की। इसने आग से निपटने के लिए राज्य को कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए की मांग के मुकाबले केवल 3.15 करोड़ रुपए दिए जाने के फैसले की आलोचना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपने मां बेटी मानुष नारे से भटकने और इसके बजाय मुस्लिम तुष्टिकरण करने का आरोप लगाया। शाह ने हुगली के सेरामपुर में एक चुनावी रैली में कहा, ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन ये नारा अब गायब हो गया है और मुल्ला मदरसा और माफिया उसकी जगह पर आ गए हैं। मुझे बताएं कि क्या मुल्लाओं को बंगाल के राज्य के खजाने से भुगतान किया जाना चाहिए? केंद्रीय गृह मंत्री और BJP नेता अमित शाह ने एक चुनावी सभा में POK में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर बात की। अमित शाह ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन का शासन था तब हमारे कश्मीर में हड़तालें होती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए कि कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हड़ताल होती है। शाह बोले, पहले आज़ादी के यहाँ नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नारे लगते हैं। पहले यहाँ पत्थरबाजी होती थी, आज वहाँ पत्थरबाजी होती है। 2,11,00,000 पर्यटकों ने कश्मीर जाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर दावा किया है कि नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के हर कोने में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। राहुल ने कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो को भी रीट्वीट किया। इस वीडियो में राहुल गांधी के एडिट करके शेयर किए जा रहे बयान का फैक्ट चेक किया गया है। राहुल गांधी ने असल बयान में 4 जून को नरेंद्र मोदी के PM नहीं बनने की बात कही थी, मगर जो एडिट वीडियो शेयर किया जा रहा है उसमें मोदी के PM बनने की बात सुनाई देती है। राहुल गांधी ने लिखा, झूठ की फैक्ट्री BJP खुद को कितना भी दिलासा दे ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा, डूबती हुई BJP और नरेंद्र मोदी की फेक न्यूज फैक्ट्री को अब फेक वीडियो का ही सहारा है। अद्यतन राहुल गांधी जी के भाषण को काट छांट कर झूठा वीडियो बनाया और फिर रंगे हाथों पकड़े गए। बरेली में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें 2 वर्दीधारी एक व्यक्ति को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं। घटना नवाबगंज तहसील की है, जहां 2 होमगार्डों ने वर्दी की आड़ में जमकर गुंडागर्दी की। बताया जा रहा है कि बरेली में थाना नवाबगंज से सटे बरहोन गला गांव निवासी वीरेंद्र कुमार जाटव थाना नवाबगंज में चौकीदार के पद पर तैनात हैं। वीरेंद्र कुमार अपनी जमीन की फर्द निकलवाने तहसील पहुंचे थे। आरोप है कि वहां तहसीलदार कार्यालय में तैनात होमगार्ड वीर बहादुर और रामपाल उसे देखकर चुनावी टिप्पणी करते हुए बोले, सरकार से फ्री का राशन लेते हो और वोट भी नहीं देते। इस पर चौकीदार ने कहा कि जो भी गरीब है वो सब राशन ले रहे हैं। इस बात पर चौकीदार और होमगार्ड में बहस होने लगी और विवाद इस कदर बढ़ गया कि होमगार्डों ने चौकीदार की जमकर पिटाई की।
होमगार्डों द्वारा चौकीदार को पीटने के वीडियो पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि जनता को राशन मिलता है क्योंकि इस देश में हर नागरिक को भोजन का अधिकार मिला हुआ है, अनाज किसानों का उगाया हुआ है, वितरण में खर्च होने वाला धन जनता का है। क्या भाजपा सरकार जनता का थोड़ा सा धन जनता पर खर्च करके उसे ही बंधक बनाना चाहती है? इन पुलिस कर्मियों को ये हिम्मत कहाँ से मिली कि वो भाजपा के लठैत की तरह बर्ताव करें और हमारे दलित भाई पर इस तरह क्रूरता बरतें? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को लखनऊ में कहा कि चार चरण में हुए लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की विदाई तय कर दी है। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ यूपी की राजधानी में संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए ये टिप्पणियां की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ऐलान किया कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनी तो हम गरीबों को हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन देंगे। उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल तो कांग्रेस लेकर आई, कोई उसके लिए कोर्ट भी जा सकता है। आजकल 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की बात करते हैं, हम 10 किलो राशन देंगे, हमने कर्नाटक और तेलंगाना में किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मैं प्रेस के साथियों को 4 जून से शुरू होने वाले स्वर्णिम काल के लिए बधाई देना चाहता हूं, जो प्रेस की आज़ादी का दिन होगा। बीजेपी अपने ही निगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 79 सीटें जीतेगा, सिर्फ एक सीट क्यूटू पर लड़ाई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि बीजेपी को 400 पार सीटें मिली तो मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि काशी में ज्ञानवापी की जगह भव्य मंदिर बनाया जाएगा। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुगलों ने देश में कई कारनामे किए हैं, उनमें से अभी बहुत कुछ को साफ किया जाना बाकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा की टिप्पणी पर आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो यही सब बोल सकते हैं, मुझे बेहद खुशी होती अगर वो कहते कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी तो हम एक एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। बोल नहीं रहा बंदा, ना इनका बड़ा बंदा बोल रहा है ना छोटा बंदा बोल रहा है। मनोज झा ने कहा कि अगर वो ये कहते कि फसलों को सिंचाई का पानी मिलेगा, किसान की आय की समृद्धि के लिए हम काम करेंगे, फसलों पर MSP देंगे, ये बातें होती। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, दुनिया में कहीं भी इस पर चुनाव नहीं होता। दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पर बड़े बड़े अहदेदार लोग चुनावी मुद्दों पर बात नहीं करते, बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं करते। ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 15 मई को न्यूज क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर प्रकाश की रिहाई का आदेश दे दिया है। अदालत ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने प्रबीर प्रकाश के रिमांड की कॉपी कोर्ट को मुहैया नहीं कराई, ऐसे में इस गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है, गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं बताया गया है। भारत और ईरान के बीच चाबहार स्थित शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए समझौते पर अमेरिका की चेतावनी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी। बता दें सोमवार 13 मई को भारत और ईरान ने एक समझौता किया। ये समझौता 10 साल के लिए चाबहार स्थित शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किया गया है। इस पर अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा था कि इस समझौते को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट नहीं मिलेगी। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब अमेरिका की चेतावनी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा चाबहार पोर्ट से हमारा लंबे समय से जुड़ाव रहा है, लेकिन हम कभी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए थे क्योंकि इसमें कई अड़चनें थीं। आखिरकार हम लंबी अवधि का समझौता कर पाने में सफल हुए। ये लंबी अवधि का समझौता ज़रूर होता है क्योंकि इसके बिना आप बंदरगाह का संचालन ठीक से नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि कुछ टिप्पणियाँ आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपस में संवाद करने और समझाने की बात है कि ये समझौता सभी के फायदे के लिए है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए और उन्होंने अतीत में ऐसा किया भी नहीं। अगर आप अतीत में चाबहार के प्रति अमेरिकी रवैये को भी देखें तो अमेरिका ने हमेशा इस तथ्य की सराहना की है कि चाबहार की व्यापक प्रासंगिकता है, इसलिए हम इस पर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 महीने से माधवी राजे का एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार माधवी राजे निमोनिया से पीड़ित थीं। पिछले 2 सप्ताह से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी और वो वेंटिलेटर पर थीं।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।